और मैं आ गई हूँ कौसा, और किस लिए आई हूँ आगे आपको देखने को मिलेगा, किस काम से आई हूँ, इतने बारिश में मुझे क्यों आना पड़ा। और शॉप देख के तो आप समझ गए होंगे लगभग, मुझे लग रहा है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ मैं आगे कि किस लिए आई हूँ, बस वेट कीजिए थोड़ा सा। मैं जैसे पहुँचूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पे आई हूँ और किस लिए आई हूँ, किस काम से आई हूँ, मुझे क्यों आना पड़ा, ये सब आपको पता चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ और मैं आपको अब बता देती हूँ कि मैं आई हूँ ज्वेलरी शॉप में आई हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आज मेरा एकदम बिल्कुल मन हो गया था कि मैं आज जा नहीं, आज मुझे हर हाल में जाना है। तो मैं आई हूँ, हमारे घर पे जो आंटी काम करती है मैं उनके साथ आई हूँ कि थोड़ा मेरा हेल्प कर देंगी अदीबा को लेने में, क्योंकि अदीबा मैं अकेले रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा सताती है। तो मैं आ गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा इनके पास कलेक्शन था हर एक चीज़ का, इयररिंग्स, नेकलेस और रिंग्स, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा अच्छा डिज़ाइन था इनके पास। और मैं अभी कोई कस्टमर था तो उनको वो दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए मैं आ रहा हूँ। वहाँ से लेने के बाद मैंने क्या क्या लिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी घर पे जाके। उसके बाद मैं जैसे वहाँ से निकली तो अदीबा को साइकिल की दुकान नज़र आ गई। अदीबा को कुछ भी नज़र आ जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है, और उस साइकिल ना किसी का भी देखती है ना तो रोने लगती है। तो बहुत दिन से, 1-2 महीने से वो बहुत ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। तो अदीबा को ये वाली साइकिल पसंद आई, अदीबा ज़िद करने लगी। और फिर अदीबा के पापा से मैंने बात कराया, तो अदीबा के पापा, अदीबा को कुछ भी चाहिए होता है, बच्चों को कुछ भी चाहिए। फिर ये वाला उसने साइकिल किया, इसका नज़र ऊपर दिया, इन्होंने डेमो में रखा था तो ये वाला उसको साइकिल पसंद आ गया। फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, बहुत टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग बगल में ही मुंबई चाट है जो कि कौसा में है, जो मुमरा और कौसा में रहता है उनको पता है कि मुंबई चाट कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हर तरह का ये पिज़्ज़ा, और ये बहुत तरह का पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार सा मैंने ऑर्डर किया। और ये रहा अदीबा का साइकिल। कैसा है अदीबा, इधर इधर कैसा है? बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, मैं जीजू को चलाऊंगा। इधर देखो, इधर कैसा लगा आपको? रेस मारेंगे, पापा को बोलो थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, हम जीजू ना रेस लगाएंगे साइकिल से। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। सदफ़ के जहाँ में, सदफ़ की दुनिया में आपका दिल से स्वागत और वेलकम है। और आज पूरा दिन कैसे गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। आज पूरा दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसी बारिश में मैं गई थी बाहर क्योंकि मुझे कुछ कुछ काम था और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर आज कैसे भी मैं सोची थी कि आज जो भी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन आज मैं जाऊंगी बाहर। मेरी मम्मा ने मुझे मेरे पापा साइकिल दिलवाए। और अदीबा बहुत दिन से अपने पापा से बोल रही थी कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, क्योंकि ये किसी का भी कुछ भी देखती है ना तो इसको भी चाहिए होता है। तो इसके पापा ने माशाल्लाह दिला दिया साइकिल, जो कि मैं इसमें क्लिप लगा दूंगी, मैंने बनाया है वीडियोस इसका। ये देखो, इसका मैंने साइकिल इसका कॉस्ट से लिया है। हेलमेट, और इसका वो साइकिल का हेलमेट भी मिला है। मैंने इसको अलग से लिया है और इसने पूरा मैचिंग लगा लगा के ख़रीदा है ना। हाँ, ये मेरे कपड़े के जैसा है। और कल आपका टेस्ट है ना? हाँ, टेस्ट है। और आज अदीबा स्कूल भी गई थी माशाल्लाह, अभी जा रही है अच्छे से, अभी रोती नहीं है। फर्स्ट डे थोड़ा सा रो रही थी लेकिन अब नहीं रोती है ये बिल्कुल। तो अभी माशाल्लाह हैप्पी हैप्पी होके जाती है ना बेटा। तो अभी मतलब कल इसका टेस्ट है, कल से चालू है इसका। तो कल पोएट्री का टेस्ट है, मतलब पोएम, में इसको पोएम देंगे इसका टेस्ट। तो ये इंशाल्लाह ज़रूर देगी है ना बेटा। हाँ। और मैंने क्या क्या लिया मैं वो बताऊँ, मैंने आज जो पहना है ना नोज़पिन वो भी लिया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था लेने का, तो इसके लिए मैंने लिया। और मैंने ये वाला जो रिंग है, ये वाला जो रिंग है ये लिया,
मेरे पास पुराना कुछ था गोल्ड, तो मैंने उसको दे के उसको सेल करके और ये लिया। बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है ये। तो मैंने ले लिया कि अभी घर में भी पड़े हुए थे, जो ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, उसको मैंने सेल कर दिया और ये ले लिया। और फिर नोज पिन भी लिया, मैं ये वाला मैं ली हूँ, वो वाला मैंने चेंज कर दिया। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। और मैं फटाफट से आई, आज बिल्कुल भी लेटने का भी टाइम नहीं मिला, आज कैसे पूरा दिन निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आज मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ और आलू की भुजिया बना रही हूँ, बहुत अलग तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनता है वो, तो वो मैं बना रही हूँ। और अंडा फ्राई कर दूँगी, बच्चे भी खा लेंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे डेली डेली। कल मैंने चिकन पुलाव बनाया था, लेकिन मैं कल वीडियोज़ नहीं बनाई थी, क्योंकि कल मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था, इसके वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया। चलूँगी चलूँगी। और ये रहा अदीबा का साइकिल। अदीबा हैप्पी हैप्पी, ये मुझे लग रहा है ये साइकिल। हाँ चला के देखो, खींचो खींचो, रूम में तो जगह है ही नहीं, तो कैसे चलाओगी? बाहर ले चलेंगे तो चलाना। हाँ। तो ये पहले से ही साइकिल चलाती थी थोड़ा थोड़ा, इसके लिए इसको जल्दी आ गया चलाने। तो अभी इसको मैं नीचे खाना बना लूँगी, आज मैंने सोचा कि खाना फटाफट से बना लूँ, फिर इसको लेके जाऊँगी, थोड़ा सा नीचे खेलेगी, इसको अच्छा लगेगा। और काम भी मतलब फटाफट लगभग तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत और काम है, बस साफ़ करूँगी, झाड़ू मारूँगी, पोछा लगाऊँगी, क्योंकि रात में फिर लेट हो जाता है ना, तो फिर बच्चों का स्कूल रहता है, इसके वजह से मुझे भी नींद पूरा नहीं होता है, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ फटाफट से। और आज ना क्या बोलूँ, आज बहुत ज़्यादा मैं थक गई इतना। और अभी मैंने चावल भी चढ़ा दिया बनाने के लिए, ताकि फटाफट से बन जाए, फिर मैं भाजी बनाऊंगी। चावल सर लग रहा हो गया है। और यहाँ पे अदीबा पढ़ाई कर रही है ना, अदीबा क्या कर रही हो? पढ़ाई। और हेलमेट उतरेगा कि नहीं? हाँ। इधर देखो अदीबा, आज मैं कलर कर रही हूँ उसका, लॉलीपॉप का। और आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल आलू की भुजिया का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस किया है और एक लहसुन का जावा छिलके के साथ इसमें मैंने डाला है। और आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप लाल मिर्च खड़ा ले लेना और अच्छे से फ्राई करना। और इसको मैंने फ्राई करके ले लिया है जार में, मिक्सर जार में। और यहाँ पर जो तेल बचा हुआ था, वही तेल में मैं बारीक बारीक पतला पतला मैंने आलू काटा था, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और इसे मैं बहुत ही अच्छे से फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखे जो मैंने मसाला मिक्सर जार में डाला था, वो मैंने अच्छे से पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि आलू में पानी नहीं पड़ेगा, बस मसाले में जो मैंने पीसा है ना उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। और यहाँ पे आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छे से एकदम फ्राई हो गया है, तो फिर इसमें हम इसमें मसाला जो पीसा हुआ मसाला था वो डाल देंगे। और डालने के बाद फिर अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और अभी से ही बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रहा है अच्छा, क्योंकि जो भुने हुए मसाले जो होते हैं ना फ्राई किए हुए, उसके बाद अगर आप पीस के फिर बनाते हो तो उसका खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अनुसार और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसमें बाकी कुछ भी मैंने नहीं डाला है। और यकीन माने अगर आप एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार ये आलू की भुजिया बनता है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है ये आलू का कोई भी चीज़ है ना, मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं एकदम लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे तो फिर जल जाएगा, क्योंकि पानी इसमें तो मैंने ऐड किया नहीं है, इसके वजह से इसमें एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, ठीक है।
और 5 से 7 मिनट में ये आलू की भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। तो मैंने तो दाल बनाया था, चावल, और इसके साथ मैंने ये आलू की भुजिया बनाया था। लेकिन आपको अगर बनाना है तो आप पराठे और ये आलू की भुजिया का कॉम्बिनेसन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो एक बार आप ज़रूर उस तरीके से बनाना, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो। तो मैं दाल चावल के साथ ही खाने वाली हूँ और पराठे भी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और दुआओं में हमें याद करना। अल्लाह हाफिज़।